Professor of Audiology, my colleague Chang San, and all the faculty who is present here, and also all the mothers and the children who are present here, and who are really, I was really very touched to see the concern of the mothers, the way the mothers have been working for the benefit of their children. and all those who are collected online. So first of all, I would like to compliment Aish for completing 59 years and entering into 60th year. The Honorable Prime Minister conferred the Center of Excellence, the recognized Aish as Center of Excellence in 2022. And today I was convinced that yes, this indeed is a Center for Excellence, and we have to replicate it throughout our country. In fact, I felt in 59 years that we with a population of 140 crore have only one Aish is actually we have failed in some way. We should have had many till now, and now we do require many, and we need to scale up because the scale of the problem is really huge, which I got to know today. जब हम दिल्ली में रहते हैं तो hearing और speech इतना हमारे जहन में इतना नहीं आता क्योंकि वहाँ बाकी चीज़ों से बहुत और अलग अलग चीज़ों से हम जो है डेली कुछ ना कुछ चलता ही रहता है चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कुछ और हो इस तरह की चीज़ें चलती हैं पर ये स्पीच और हियरिंग ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये आज मुझे यहाँ आके ही पता चला और अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी इस डिवीज़न में आज चांग सान तो आई हैं साथ में जो हमारे डिवीज़न में मिनिस्ट्री में जो और जो लोग जितने भी देखते हैं वो सब यहाँ आके देखें कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है और किस तरह से काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं आज मुझे मुझे बताया गया कि यहाँ पर 11 डिपार्टमेंट हैं पर मैं केवल 3 या 4 में ही जा सका और उसमें भी लगभग 1.5 घंटा लगा और वहाँ भी व्हाट आई सॉ वाज द पैशन ऑफ द फैकल्टी ऑफ द of all those who are working with the children, the mothers, and everywhere the kind of passion which was seen, and also the smiles of the children. सबसे अच्छा था कि जो बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान थी, जो mothers के चेहरे पे मुस्कान थी, वो आपके work का outcome है. So I think that is the best, which is. चाहे आपका वो department ऑफ स्पेशल एजुकेशन हो जहाँ पर बहुत सुंदर मॉडल और जिस तरह से उस पूरे डिपार्टमेंट में ही पूरा उसका जो प्रारूप है जिस तरह से उस पर हर तरह के मॉडल रखे हुए हैं या उस पर जो पेंट किया गया है जिस तरह से उसको वेलकमिंग है जिस तरह से वो दिखता है कि किसी बच्चे को कैसे एजुकेशन मिल सकती है या किस तरह से उसको वहाँ आने में अच्छा लगता है तो वही देखने में इतना अच्छा लगता है यू चाहे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हों 3D मॉडलिंग यूज़ कर रहे हों सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं सब कुछ यूज़ कर रहे हैं पर मेन है कि आपका जो स्टाफ है आपकी जो फैकल्टी है उनमें जो लगन है जिससे आप इस अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई रियली लर्नड टुडे एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू रिप्लीकेट ऑफकोर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लीकेट एक जगह होता है आगे उसे जब हम बढ़ाते हैं तो वो चीज़ें उतनी नहीं हो पाती है पर हमें प्रयास यही करना है मैं जब सूचना प्रसारण मंत्रालय में था तब मेरा कुछ संबंध हियरिंग इम्पेयर्ड के कॉन्टेक्स्ट में आया क्योंकि जो हमारा ब्रॉडकास्ट होता है जो व्हेन वी जो हमारे टेलीविज़न के ऊपर जो भी ब्रॉडकास्ट होता है इट इज़ ऑल मेंट फॉर पीपल हु हैव नो डिसेबिलिटीज़ बट इट इज़ अ कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट दैट दोज हु आर हैविंग hearing disability they should also be able to hear able to understand what is being broadcast on TV and the programs on OTT and others so there it was a constant struggle because the broadcast industry the TV channels do not want to have a person like we have the person in sign language here making the sign language so they don't want to because it is firstly it costs money then on a screen if half the screen goes ki aadhi screen ke upar koi aadmi sign language kar raha hai to unko चलता नहीं है तो ये एक हमेशा एक स्ट्रगल है जो कि हमने वहाँ NB में भी देखी पर मैंने देखा कि कुछ लोग बड़े लगन से ये करते थे और कुछ लोग अब जैसे OTT आ गया है तो उसमें पॉसिबल भी है क्योंकि हम जो है मल्टीलिंगुअल उसके अंदर हम जो है ऑप्शंस रहते हैं कि एक बटन दबाओ और उसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं तो इस तरह से साइन लैंग्वेज भी
हमारा प्रयास ये था कि साइन लैंग्वेज का भी एक ऑप्शन रहे, कि एक ऑप्शन उसमें ये भी रहे कि साइन लैंग्वेज के ऊपर आप OTT के अंदर देख सकें। तो वो हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, और कुछ लोग उस पर काफ़ी काम कर रहे थे, और मुझे आशा है कि इस तरह से काम आगे बढ़ता रहेगा, जो कि 2-4 साल में शायद आगे कभी हम ये देख सकें। बट जो मैंने यहाँ देखा वो साइन लैंग्वेज का, नॉट रिगार्डिंग यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, बट यू मेकिंग चिल्ड्रन विद हियरिंग डिसेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू रियली स्टार्ट स्पीकिंग, सो दैट टेकिंग अवे देयर डिसेबिलिटी थ्रू कॉचलियर इम्प्लांट एंड थ्रू अदर मीन्स, सो दैट दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ विदाउट गोइंग थ्रू दी साइन लैंग्वेज, विच इज इवन मोर डिफिकल्ट। नाउ अगेन व्हाट आई सॉ वाज कि ओनली 160 कॉचलियर इम्प्लांट्स वर डन लास्ट ईयर हेयर। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इन द कंट्री, आई थिंक इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर। वी हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूज प्रॉब्लम विच द कंट्री फेसिस वाइल दिस इंस्टीट्यूट इज डूइंग रियली वेल। बट AISH इज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, सो जस्ट वन क्लिनिकल और रनिंग अ गुड इंस्टीट्यूट हेयर डज नॉट एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर द एंटायर कंट्री। यू आर रनिंग 30 आउटरीच सेंटर्स, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क देयर, बट हाउ टू एक्सपैंड इट, सिंस यू गॉट मी हेयर सो आई विल गिव यू दिस टास्क सो दैट दिस यू कैन डू इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। आई हैव 3-4 आस्क्स फ्रॉम यू। नाउ टूडे आई वॉज टोल्ड बाई डॉक्टर संदीप ओनली कि अबाउट 0.3% ऑफ द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न विल हैव हियरिंग लॉस ड्यूरिंग देयर लाइफ और अर्ली इन द लाइफ। और किसी बच्चे में अगर हियरिंग लॉस होता है तो उसके 6 महीने से पहले अगर हमने नहीं उसको जो है आइडेंटिफाई किया, अगर हमने देरी करी, तो आगे उसको उसमें सुधार कर पाना मुश्किल होगा, उतना ही मुश्किल होता जाता है अगर हमने। और हमारे यहाँ जो हम जो है बच्चे का हियरिंग लॉस का पता चलता है 2.5 से 3 वर्ष की आयु में पता चलता है, उसमें भी पता नहीं कितने बच्चों को पता चलता है, सबको हम उसमें ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में लगभग 3 करोड़ बच्चे हर वर्ष पैदा होते हैं, 2.8 करोड़, और उसमें अगर 0.3% बच्चों को हियरिंग लॉस हो रहा है तो लगभग 75 से 80 हज़ार बच्चे हर वर्ष हियरिंग लॉस होता होगा। उसमें हम कितने आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कितनों का उसमें ट्रीटमेंट कर पाते हैं, कितनों को हम साइन लैंग्वेज या कुछ भी सिखा पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। इसमें AISH को आगे बढ़ के इसी में लीड लेनी होगी। हमारे यहाँ भी मिनिस्ट्री में भी ऐसा है कि क्योंकि हम भी साइलोज में काम करते हैं, आप क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आप नॉन कम्युनिकेबल देख रहे हैं, पर आपको NHM के साथ जुड़ना होगा। जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें जो आशा वर्कर है वो ही केवल हर बच्चे का आइडेंटिफिकेशन पैदा होने के 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। हम किसी को कितना भी ट्रेन कर लें वो नहीं हो सकता। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आशा वर्कर के लिए बनाना, आपने मेरे को कुछ मशीन वगैरह दिखाई जो कि ऑडियोमीट्री की मशीन्स थी, कि जो बच्चे को 1 महीने के अंदर अगर यहाँ लगा के आप चेक कर सकते हैं, तो ये मशीन्स हम NHM में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि हम हर आशा वर्कर को इसकी ट्रेनिंग दे सकें, और 2-3 महीने में बच्चों को हियरिंग का हम जो है ये चेक कर सकें। इसके ऊपर आप एक प्रकल्प बनाएं, एक प्रोजेक्ट बनाएं, सेंड इट टू अस। आई कैन अश्योर यू विल मेक इट अ पार्ट ऑफ द NHM, विल मेक इट अ पार्ट ऑफ द आशा's वर्क। हमारे अगेन NHM के अंदर डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DIC हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बने हैं, कहीं पर अच्छे हैं कहीं पर बुरे हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं हैं, परंतु डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हैं। तो आशा ने अगर बच्चे को आइडेंटिफाई किया, उसे आगे ले जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किस तरह से उस पर उपचार किया जा सकता है या क्या उस पर किया जा सकता है, ये भी जवाबदारी हमारी है। और इन डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में अगर आप जुड़ सके तो बहुत अच्छा होगा। इसका भी आप प्रोकल बनाए, अपने उसमें SFC में लाएँ, हमारे EAC में लाएँ, वी विल गेट इट अप्रूव्ड। आप उसमें किस तरह से उसमें योगदान कर सकते हैं, वी विल हैव टू सी, और कहाँ से स्टेट्स को और आप अपना उसमें योगदान करें, तो इसका भी प्रकल्प आप बनाएं। दूसरा, आपने विषय एक रखा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हमारे जो हैं वहाँ पर भी इस तरह का नहीं है, PGI जिपमेर, वहाँ पर हम किस तरह से आपके ही जो आप आउटरीच सेंटर्स हैं आप उसमें कैसे अपने सेंटर्स को वहाँ, हर जो एम्स हैं जो आज 17 या 18 आज हमारे चल रहे हैं,
पीजीआई और जिपमेर, वहाँ पर आप अपने सेंटर्स को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं उसका भी आप प्रकल्प बनाएं, वो भी हम मंजूर करेंगे, किस तरह से उसमें आपकी मैन पावर आ सकती है और कैसे उसमें हियरिंग को और स्पीच को, एम्स का भी हम इसका भाग बनाएं, तो इसके ऊपर भी आप काम करें। तीसरा जो मेरे को लगा कि जब कॉचलियर इम्प्लांट की बात हो रही थी कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंदर हमारे ये कोई भी योजना, कोई भी जो आप काम कर रहे हैं वो भी उस पर समाविष्ट नहीं है, तो ऐसे पैकेजेस बनाए जो कि हम पीएमजे के अंदर इनको समाविष्ट कर सकें, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, आज मुझे देख के मतलब ये लगा कि जैसे जो मदर्स हैं कितना जो है अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करती हैं, कोई राजस्थान से, कोई जबलपुर से, कोई नॉर्थ ईस्ट से और कोई उड़ीसा से, जो यहाँ आके रह रहे हैं, 3-3 साल तक रह रहे हैं, तो इस उसमें किस तरह से हम पीएमजे के पैकेजेस में इसको ला सकते हैं, ये भी हमें एक करने की ज़रूरत है। इसमें भी लीड KIISH ले, इस तरह के पैकेज लाएं एंड वी विल ट्राई टू इंक्लूड दीज इन द पीएमजे सो दैट द पुअर फैमिलीज कैन बी बेनिफिटेड। चौथा मेरे को डॉक्टर गोस्वामी जी ने बताया था कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का कुछ इशू है DGHS पे, तो उसका भी मेरे को बताएं, तो उसको भी हम आगे देखते हैं। और मैं अंत में यही कहूँगा कि आपको इस इंस्टीट्यूट में कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मैन पावर या कोई भी सिविल कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की आपको अगर आवश्यकता हो, प्लीज़ डू लेट अस नो एंड वील गेट इट अप्रूव्ड। थैंक यू एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।